तुम अभी तक यहीं पे हो? आना तो चाहती हूँ। तो घर वाले बुला नहीं रहे क्या आपको? बुला भी रहे लेकिन तो चाहती क्यों नहीं हो? अरे तुझे क्या प्रॉब्लम है, रहने दो यार बेचारी। नहीं 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 यार, अरे घर वाले भी परेशान होंगे। परेशान नहीं है घर वाले? मैं नहीं जाऊंगी, ये फिर लड़कियों पे फिसल जाएगा। तो अब प्रतीक सर है यार कोरियोग्राफर, ये कहाँ से फिसलेगा? लास्ट टाइम इनको बोला था अनु मैम को, दीदी बोलने नहीं बोला। अनु मैम को दीदी नहीं बोला, लेकिन वो दीदी वाली फीलिंग भी तो आनी चाहिए। अबे दीदी वाली फीलिंग नहीं आई। हाँ भी बोल रहा है। देखो मुकुल, हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपको कौन सी लड़की, मतलब आपको लगता है कि यू नो पसंद है, जिन जो वो फीलिंग आती है? दीदी वाली फीलिंग नहीं आती। हाँ, बेसिकली दीदी वाली फीलिंग नहीं आती है। कौन है वो? मुझे श्वेता पसंद है। श्वेता? श्वेता 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 शौक में। ए गर्लफ्रेंड, व्हाट्स अप? क्या हुआ? गर्लफ्रेंड दीदी बोलो। है श्वेता दीदी? ये सेम एज के हम, क्यों दीदी? तो भी दीदी बोलो। अरे जैसे फ्रेंड है ना, बोल रही कि नहीं? नॉर्मल फ्रेंड तो है। नॉर्मल बात नहीं कर रही, जाओ। मुकुल, आप सच्ची में अगर सोना से प्यार करते हो तो कह देना श्वेता दीदी। कह तो भाई खत्म करो, क्या फर्क पड़ता है, बोलना है ही नहीं तो दीदी क्यों बोलना, वो मेरी फ्रेंड है। और क्या, नहीं तो जैसे अभी हर्ष मलाइका मैम को दीदी बोल दे। चल बच्चा नहीं। तू टेरेंस सर को भैया बोल। चल बच्चा। ठीक है, तो आज के बाद ये टॉपिक ना तू निकालेगी ना मैं, ठीक है? ये देख, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। देखो ना, मेरे को पता था ये दीदी नहीं बोलेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। मैं दिखाऊं? छड़ी छड़ी लाओ, दे दो। हाँ दिखाओ, डेंजरस है, तुझे मार पड़ने वाली है। मुकुल, तुझे मार पड़ने वाली है। मेरे को पता था ये दीदी नहीं बोलेगा, इसलिए मैं इसके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। मुकुल, तुझे मार पड़ने वाली है। इतना बड़ा हथियार, ओह आजा मेरे बच्चे, आजा 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 आजा। गर्ल्स गर्ल्स, ऑल द फीमेल कंटेस्टेंट्स एंड कोरियोग्राफर्स कम ऑन स्टेज। श्वेता सबसे आगे आई है। चलो 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 मुकुल मुकुल, भाग जा मुकुल, नहीं भाग जा बेटा। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, क्यों गीता माँ? Absolutely. और क्या, नहीं तो अब वो तो भाग गया। अब गर्लफ्रेंड क्या करेंगे? ब्रेकअप। हाँ ब्रेकअप। हाँ ए मुकुल, वापस आ। मुकुल मुकुल बेटा वापस आ। मुकुल आ जा, आ जा मुकुल। मुकुल इकलौती एक ही है जो तेरे से इतना प्यार करती है, तू इस तरह भागेगा तो तेरे को राखी वही बांधेगी। मुकुल, तू मानता है कि तू सोना से प्यार करता है? हाँ। और उसी से प्यार करता है? हाँ। और किसी से भी नहीं? हाँ। और वही आपके लिए सब कुछ है? हाँ। अगर तुम्हारा प्यार इतना बड़ा है तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा चलो तुम बांध लो, आज तो राखी भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, तो मैं फ्रेंडशिप बेल्ट मान लूंगा। चलो बांध लो तुम। फ्रेंडशिप बैंड मान लो। एक्चुअली देखो भारती, थोड़ा इधर आके देखो, अब दो से तीन गांडी बॉयज हो गए, एक बीच में हर्ष भी है। सब एक ही कद काटी के देखो। सच में यार इतने पतले हैं ये दोनों, मुकुल और ये प्रतीक। नहीं नहीं हर्ष, तू इधर आ, मैं आपको बताती हूँ, जब कभी कभी भूख लगती है नाश्ते में तो ब्रेड में आलू की टिक्की लगा के खाते हैं ना।
कितने पतले हैं दोनों, ये कितने पतले हैं। आपको पता है तैरन सर, ये बारिश में छाता भी नहीं लेके जाते। क्यों? कहते दो बूंदों के बीच में से निकल जाएंगे। ये घर से निकलते प्रतीक की मम्मा पूछती, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहता मम्मा जहाँ हवा ले जाए। तुम क्या हंस रहे हो? लेकिन मेरा हर्षु भी किसी से कम नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा सुकड़ा था। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप बुरी नजर से बचाते हैं, तेरे सर इसके घर वाले बिल्ली से बचाते रहे कि कभी अकेला देख के मुंह में डाल के ना ले जाए।